पूरे भारत की सांस्कृतिक छटा को बिखेरे राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज आज से हो गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में राष्ट्रीय शिल्प मेला आज 1 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पूरे देश का शिल्प के स्वाद का संगम भी होता है। पूरे प्रयागवासियों के लिए यह एक अद्भुत क्षण होता है कि एक ही जगह विभिन्न राज्यों के संस्कृति से रूबरू होते हैं। जी हां, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का ये राष्ट्रीय शिल्प मेला आज 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हर वर्ष आयोजित करता रहा है। मेले का आगाज शोभा यात्रा से हुआ। दोपहर 1 बजे शोभा यात्रा निकाली गई, रंग बिरंगे वेशभूषा में, जिसमें 22 राज्यों के कलाकारों के साथ काफी संख्या में लोग शरीक हुए। यात्रा का शुभारंभ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक के केंद्र परिसर से हुआ, जो एजी ऑफिस पत्थर गिरिजाघर होते हुए सुभाष चौराहे पर पहुंचा, जहां पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों का पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। आज जो ये कलाकार आए हैं आज प्रयागराज में, पहले तो ये बता दें कि प्रयागराज जो है वो सांस्कृतिक रूप से और संस्कार के तौर पे बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा है हमेशा से, इसकी बड़ी गौरवशाली गाथा रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अथक प्रयास है कि हमारा भारत जब तक सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी देश जब अपनी संस्कृति से मजबूत है तब वो बहुत ग्रो करता है। और ये बहुत प्रयास का फल दिख रहा है कि जैसे ही अब समय चेंज होने लगा है, राम राज के आने का लोग सपना देखने लगे हैं और राम मंदिर की शिला रख दी गई है, काशी बहुत बड़ा बना दिया गया है और प्रयागराज भी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमारी सांस्कृतिक और संस्कार की जो विरासत है वो बहुत रिच है, वो बहुत समृद्ध है। तो आज यहाँ प्रयागराज में विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं, जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में जो कला जो शिल्प मेला आयोजित हो रहा है 10 दिनों का, उसमें पूरे भारत से विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं अपनी संस्कृति को यहाँ दिखाने के लिए, अपनी कला को यहाँ शेयर करने के लिए। तो आज हमने व्यापार मंडल की ओर से, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से, मैं महानगर अध्यक्ष होते हुए उन सभी का स्वागत कर रही हूँ। और मेरा ये संदेश है कि कला और व्यापार दोनों बहुत गहन साधना का विषय है। यदि आप साधना नहीं करते हैं, यदि आप पूरा एफर्ट नहीं देते हैं, पूरी मेहनत नहीं देते हैं, तो ना ही आपकी कला परवान चढ़ सकती है और ना ही आपका व्यापार परवान चढ़ सकता है। तो